अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अयान मोबाइल। और आज एक न्यू वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। काफ़ी दिनों बाद एक न्यू मॉडल आया है हमारे पास, जिसका नाम है K130। एक न्यू सीरीज़ आई है, लॉन्चिंग हुई है इसमें सिर्फ K130 की, तो इसके अनबॉक्सिंग करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बॉक्स को देख लेते हैं। तो बॉक्स की डिज़ाइन आपको पुराना वाला ही मिल जाता है, जिसके ऊपर केमोन लिखा हुआ है। लेकिन इसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो इसके ऊपर हाईलाइट्स किए गए हैं। इसके अलावा बैक साइड पर इसके स्पेक्स मेंशन है, जिसके ऊपर एक नज़र मार लेते हैं। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें, ऑटो फोकस जो कि सेल्फी कैमरा है। इसके अलावा इसमें स्टेडी नाइट पोर्ट्रेट्स आप बैक कैमरा से ले सकते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं और डिटेल से रिव्यू करते हैं K130 को, टेक्नो की डिवाइस को, और इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और उसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे इसके स्पेक्स वगैरह और इसके फंक्शंस वगैरह। तो जैसे ही आप अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके अंदर एक रेपर इसके ऊपर लगा हुआ है और दूसरा बॉक्स निकलेगा जो, और इसको खोलेंगे तो आपको सबसे पहले कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, जिसके अंदर आपको इसमें एक अदद पाउच मिल जाता है। और इसके अलावा इसमें एक टेम्पर ग्लास मिल जाएगा, जो कि एक 90 ग्लास है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ग्लास होता है। मार्केट में भी आपको मिल जाता है, क्योंकि ये कर्व स्क्रीन वाला फ़ोन नहीं है, ये एक फ्लैट स्क्रीन वाला फ़ोन है। इसके अलावा कुछ पेपर वर्क आपको बॉक्स में इंक्लूड मिलेगा। केस की तरफ चलते हैं, तो आपको एक सिलिकॉन का हार्ड केस मिल जाता है, जो कि प्लास्टिक का है और बिल्कुल क्लियर है, जो इससे साइडों से ज़्यादा आपके डिवाइस को कवर कर देगा, लेकिन ऊपर और नीचे से नहीं करेगा। और इसके अलावा बॉक्स में बात करते हैं, तो आपको एक 70 वोट का चार्जर मिल जाता है, जो कि बहुत ही फास्ट चार्जर है टेक्नो का। चूँकि ये 70 वोट के साथ आया है, तो ये आपके फ़ोन को तकरीबन 1 घंटा और कुछ देर में फुल कर देगा। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके केबल की, तो आपको एक Type-A to Type-C वाली केबल मिल जाएगी, जो कि टाइप सी वाली केबल है। तो इन सब चीज़ों को हम साइड पे करेंगे और डिवाइस की तरफ चलेंगे। डिवाइस के ऊपर एक रेपर है, जिसके ऊपर इसके तकरीबन स्पेक्स जो है वो मैंशन किए गए हैं। 100 मेगापिक्सल का इसमें एक कैमरा है। इसके अलावा इसके लुक वगैरह की बात करते हैं, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लुक मिल जाता है। बैक साइड पर आपको 3 कैमरा मॉड्यूल मिल जाएगा, और फाइनली हमारा जो 3 कैमरे वाला आईफोन वाला डिज़ाइन था वो चेंज हो चुका है। गोल कैमरा मॉड्यूल आ गया है इसमें, और टेक्नो कैमोन लिखा हुआ है, और वाइट कलर पर आपको कुछ टेक्सचर सा डिज़ाइन मिल जाता है। साइड पर एक डिज़ाइन के लिए एक पट्टी दी गई है। दूसरे अगर बात करते हैं साइडों की, तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर मिल जाते हैं। नीचे आपको स्पीकर और इसके अलावा 3.5 mm जैक टाइप सी जैक मिल जाता है। दूसरी साइड पर आपको सिम जैक मिल जाएगा, और ऊपर की साइड पर भी आपको एक स्टेरियो स्पीकर और इसके अलावा एक इन्फ्रा मिल जाता है, जिससे आपको किसी भी चीज़ को रिमोट कंट्रोल से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बैक साइड पर आपको इसके ऊपर एक रेड कलर की लाइट दिखेगी। सिम जैक की तरफ चले जाते हैं, तो आपको मैं इसका सिम जैक भी दिखा देता हूं। इसमें आपको एक फुल फ्लैश सिम जैक मिल जाएगा, जिसमें आप 2 सिम और इसके अलावा मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। 256 GB के साथ आप एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकेंगे। फाइनली डिवाइस को हमने सेटअप कर लिया है और इसके फीचर्स वगैरह की तरफ चलेंगे। सबसे पहले इसके डिस्प्ले की स्मूथनेस पर नज़र मार लेते हैं, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है इसमें। 120 Hz का रिफ्रेश रेट है और काफ़ी फास्ट डिस्प्ले मिल जाता है। सेटिंग की तरफ चलेंगे, इसके अबाउट फोन पे नज़र मार लेते हैं। एक बात की जाए इसके OS की, तो इसमें आपको 14.0 मिल जाता है, और इसके अलावा मॉडल वगैरह मेंशन किया गया है। G99 का अल्टीमेट प्रोसेसर है, 50 मेगापिक्सल इसमें ट्रिपल कैमराज के साथ साथ इसमें फ्रंट भी 50 मेगापिक्सल आपको मिल जाता है। और इसके अलावा इसके हार्डवेयर वर्जन वगैरह की को भी आप देख सकते हैं अबाउट में, और 5000 mAh की बैटरी इसमें मिल जाती है। तो इसको बैक करेंगे, और इसके अलावा इसके जो कुछ और फंक्शन है वो भी आपको दिखा लेते हैं। पर्सनलाइजेशन में चलते हैं, तो आपको इसमें लाइव वॉलपेपर वगैरह और इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाते हैं। लाइव वॉलपेपर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये आपका कहाँ काम करेगा। तो ये लाइव जो वॉलपेपर है, ये आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप इसमें अलग अलग ऑप्शन को और अलग अलग क्लॉक्स वगैरह को लगा सकते हैं। तो वो सब चीज़ सब जो मॉडल होते हैं सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाले, उसमें आपको पहले से ही मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की और ब्राइटनेस की, तो ब्राइटनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसको डार्क मोड पे कर लेता हूँ, ताकि आपको साफ दिखे। इसके अलावा आई केयर और इसमें हाई ब्राइटनेस मोड मिल जाता है। रिफ्रेश रेट में आपको दिखा देता हूँ, इसमें 3 मोड मिल जाते हैं अलग अलग से, 60, 90, 120, और इसके अलावा स्मार्ट भी आपको मिल जाता है, तो उस पर भी आप लगा सकते हैं। बैक साइड जाऊंगा और आपको मैं इसका साउंड वगैरह चेक करा देता हूं। साउंड चेक कर लेते हैं इसका, और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूं।
स्पीकर मैं आपको चेक करा चुका हूँ, इसके ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स है, और इसके अलावा मैं इसके फिंगरप्रिंट वगैरह की तरफ चलूँगा। सिक्योरिटी में बात कर लेते हैं, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको मिल जाता है, इसको ज़रा सेटअप करूँगा और उसके बाद आपसे बात कर लेते हैं। तब तक मैं इसके प्राइस टैग की बात कर लेता हूँ, तो ये 63,000 की कंपनी रेट में लॉन्च हुआ है। प्राइस की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से प्राइस की हाई है, क्योंकि अगर आप इसके सेम स्पेक्स की बात करें तो आपको नोट 40 में मिल जाते हैं, जो आपको 52,000 रुपये के प्राइस में मार्केट में मिल जाता है। और इसके अलावा उसके रिटेल रेट अगर देखे जाए तो 55,000 रुपये की कंपनी रेट है। तो प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये काफ़ी हाई है मेरे हिसाब से। और इसके अलावा अगर बात करें हम 63,000 या 60,000 रुपये की रेंज की, तो इसमें आपको 030 और जैसे एज वाले फ़ोन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा टेक्नो का भी स्पार्क 20 प्लस आपको मिल जाता है। फिंगरप्रिंट को हमने इसमें स्कैन कर लिया है, और इसके बाद इसमें कुछ नोटिफिकेशन और कुछ एनिमेशन भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसको टेस्ट करेंगे कितना फास्ट है इसका फिंगरप्रिंट, तो काफ़ी आप देख सकते हैं जैसे कैमन 20 सीरीज़ में आ रहा था तो उसी तरह आपको मिल जाता है। और दूसरा अगर कैमन 20 सीरीज़ की बात करें तो कैमन 20 प्रो के प्राइस जब गिरे थे तो अभी मार्केट में वो आपको 45,000 रुपये की रेंज में मिल जाता है, तो उस हिसाब से भी ये काफ़ी हाई प्राइस में आया हुआ है। स्पेशल फंक्शन की बात कर लेते हैं तो सारे फंक्शन आपको इसमें मिल जाते हैं, डायनामिक मोड वगैरह, किड मोड्स और गेम मोड वगैरह, स्मार्ट पैनल, ये सब चीज़ें मेमोरी फ्यूजन के साथ साथ आपको मिल जाता है। मेमोरी फ्यूजन भी है इसमें, जिसमें आप अपने रैम को प्लस कर सकते हैं। इसके अलावा डायनेमिक पोर्ट में कुछ नए ऑप्शंस भी इसमें ऐड किए गए हैं, तो वो भी आपको इस फ़ोन में मिल जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन सब जो है नॉर्मल से हो चुके हैं। इंडिकेटर लाइट है इसमें, जो बैक साइड के ऊपर एक रेड लाइट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब ये ऑन कैसे होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ नोटिफिकेशन वगैरह पर ये ब्लिंक करेगा, तो इसको अभी मैंने टेस्ट आउट नहीं करा, उसको भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो इला और वगैरह बैटरी के जो कुछ ऑप्शन होते हैं पावर सेविंग के, तो वो सारे नॉर्मल ही होते हैं, जो कि हाई ओएस में आपको ये सब चीज़ें मिल जाती है। ये सारे ऑप्शंस हैं इस फ़ोन के, जो एक कैमोन सीरीज़ में आपको ये सब मिलने चाहिए। स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो आपको 256 GB की स्टोरेज मिल जाती है, और इसके साथ साथ आप इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी भी लगा सकते हैं। बिल्टन एप्लीकेशन इसमें आपको सारे मिल जाते हैं, जिसमें स्नैपचैट है, टिकटॉक है, और इसके अलावा फेसबुक वगैरह, ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब के साथ साथ मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर इसके हम कैमराज की बात करते हैं तो इसके कैमराज की तरफ चलते हैं। 50 MP के ट्रिपल कैमरा है इसमें, लेकिन इसके मोड्स में मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाऊंगा। आपको इसमें मोड्स में आप चौंक जाएंगे, आपको एक ऐसा मोड मिल जाता है इसमें। इसमें आपको वैसे चार लेंस मिलते हैं, जिसमें से तीन लेंस है और एक आपको एक बटन सा दिया हुआ है, जो इसके ऊपर एक डिज़ाइन के लिए बनाया गया है, जिसके ऊपर इसके मेगापिक्सल वगैरह लिखे हुए हैं। रिजल्ट आपके सामने है, आप इसके रिजल्ट देख सकते हैं। कलर आपको काफ़ी पंची मिल जाते हैं इसमें। इन सेंसर जूम आपको इस फोन में मिल जाता है, और इसके अलावा इसके पोर्ट्रेट वगैरह में आपको ब्यूटी मोड भी मिल जाएगा, और वीडियो में भी पोर्ट्रेट वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। जूम की बात करते हैं तो आपको 10x तक जूम मिल जाएगा इस फोन में। इसके अलावा इसके मोड्स पे नज़र मार लेते हैं तो मैं आपको इसके सारे मोड्स दिखा देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मोड्स मिलते हैं। तो पोर्ट्रेट के साथ साथ आपको स्लो मोशन, इसके अलावा टाइम लैप्स, कैश ऑफ और प्रो वगैरह, पनोरामा, ये सारे मोड्स आपको इस फोन में मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम इसके सेटिंग वगैरह में चलते हैं या इसके ब्यूटी इफेक्ट में जाते हैं तो ये आपको पोर्ट्रेट और AI कैम में मिल जाते हैं। इसके सेटिंग वगैरह की बात करते हैं तो आपको इसमें एक स्मार्ट वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, ड्यूअल वीडियो का मोड भी मिल जाएगा, और वीडियो की बात करें तो इसमें आप पोर्ट्रेट वीडियो भी बना सकते हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ फिल्टर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। अगर इसी मोड की बात करते हैं तो अभी मैं पोर्ट्रेट वीडियो में, तो आप इसमें देख सकते हैं ये आर्टिफिशियल ग्रास पे फोकस किया हुआ है, बाकी आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। इसमें भी आपको 2x मिल जाता है, और इसके अलावा अगर इसमें मैं आपको इसका बॉक्स दिखाऊं तो आप इसमें देख सकते हैं कि सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है और बैकग्राउंड पर आपको ब्लर मिल जाता है, तो आप इससे काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बना सकते हैं, पोर्ट्रेट वीडियोज़ भी बना सकते हैं इससे, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इसके अलावा अगर हम इसके नॉर्मल से मोड में बात करें तो आप 2K तक वीडियोस बना सकते हैं, और पोर्ट्रेट वीडियो पर आपको 720 की रेजोल्यूशन मिलेगी। इसके अलावा अगर हम AI कैम वगैरह में चलते हैं और इसके मैं कुछ ऑप्शंस आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो इसमें एक आपको 100 MP वाला एक मोड मिल जाता है। अगर अब हम बात करें इसके कैमरा मेगापिक्सल की, तो इसमें 50 MP है, लेकिन सॉफ्टवेयर से इन्होंने 100 MP वाला जूम इसमें डाल दिया है। इससे भी मैं एक पिक्चर लूँगा और आपको दिखाऊँगा इसके फ़ोटो सैंपल में, तो आप देख सकते हैं इसके फ़ोटो सैंपल्स को, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसके कैमरे का। पोर्ट्रेट वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, बस प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी थोड़ी हाई मिल जाती है आपको। कैमरा सैंपल्स की तरफ चलते हैं, जो मैंने इससे तस्वीरें की जी, आप इसको देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। आपको ये पूरी डिटेल भी लिखी भी मिलेगी,
इसके पिक्चर के नीचे। अगर 100 मेगापिक्सल मोड की बात करें तो ये इसका रिजल्ट है। इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर सब चीज़ें दिखेंगी। काफ़ी जूम करके भी बिल्कुल सब चीज़ें क्लियर मिल रही है जो प्रोसेसर वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा इसके स्लो मोशन की बात की जाए तो एक वीडियो बनाई हुई है मैंने इससे, वो भी आप देख लें। तो इसके में स्लो मोशन भी अच्छा बन रहा है, ज़्यादा स्लो नहीं है लेकिन फिर भी सही है। और अगर बात करें इसके पोर्ट्रेट वगैरह की, तो पोर्ट्रेट भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो इससे आप पोर्ट्रेट वगैरह की तस्वीरें और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लुक की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा तो यही है कि सिर्फ इसके प्राइस हाई है। बाकी आपको फ़ोन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।